कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों? इसके पहले हम लोग डिस्कस ये किए कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हम लोग जिन बातों को एक्सप्लेन किए वो था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू के दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। नाम सही पता चल गया कि कहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ये उसका पोजिशन होगा, और एक प्लांट का कौन सा दो पार्ट होगा? एक नॉर्मल पार्ट का हम लोग प्लांट देखते हैं तो इसका दो पोर्शन होगा, एक जो सॉयल के नीचे होगा इसको कह देंगे रूट, और एक दूसरा जो सॉयल के ऊपर होगा इसको कह देंगे शूट। तो पोजीशन हम लोग देखना शुरू किए, तो जो पहला पोजीशन हम लोगों को मिला वो मिला एपिकल पोर्शन, और इसका नाम रख दिए एपिकल मेरिस्टेम। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पे ये लोकेटेड है, प्लांट के किस पोर्शन पे लोकेटेड है, इसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। जब पोजीशन की बात आई तो पहला जो पोर्शन आया वो था, हम लोग एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज के लिए एक सीड के जर्मिनेटिंग सीड को लिए थे, और हम लोग डिस्कस ये कह रहे थे कि ये वो लोकेशन है जो कंटेन कर रहा है मेरिस्टमेटिक टिश्यू को। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रेडिकल एंड एट द एपेक्स ऑफ प्लीम्यूल, प्लीम्यूल और रेडिकल के एपेक्स पे मिल रहा है। तो प्लीम्यूल और रेडिकल के एपेक्स पे मिल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे थे जब प्लांट में एक रूट ग्रो कर गया तो कहेंगे रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे भी मिल रहा है, तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये दो जगह पे प्रेजेंट है। चूंकि ये एपेक्स पे प्रेजेंट है इसीलिए टर्म हम लोग यूज किए एपिकल मेरिस्टेम। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में जो पहला टर्म आया वो क्या आया? एपिकल मेरिस्टेम। जैसे ये चौक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि यही प्लांट का सीडलिंग है, ये नीचे का पोर्शन रेडिकल है, ऊपर का पोर्शन प्लीम्यूल है। तो रेडिकल के टिप पे अगर मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिला तो जरा सा ध्यान से देखो ये एपेक्स पोर्शन है या नहीं है। ये बॉडी के लैटरल साइड में नहीं है, कहां पे है? एपिकल पोर्शन पे है। फिर ऊपर वाले पे सोचो कि यहां बीच में है, तो फिर वो कहां पे है? शूट के एपेक्स पे है। तो रूट और शूट के एपेक्स पे मिलने के चलते हम लोग इसका नाम रखे एपिकल मेरिस्टेम, या हम लोग कह सकते हैं रेडिकल या प्रिम्यूल। जब ये छोटा प्लांटलेट था, जब ये सीडलिंग के स्टेट में था, तब हम लोग क्या कह रहे थे? जब वो सीडलिंग के स्टेट में था तो रेडिकल और प्रिम्यूल के भी एपेक्स पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू था। और ये क्या काम कर रहा था? मेरिस्टेम था मतलब ये डिवाइड कर रहा होगा, और जब डिवाइड करेगा तो नेचुरली उन नए सेलों को इलोंगेट एकोमोडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल को लंबा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हम लोग फंक्शन जान गए। क्या जान लिए हम लोग इसका फंक्शन? हम लोग पहला फंक्शन जाने, ये प्राइमरी टिश्यू ऑफ द प्लांट बनाना शुरू कर दिया, इट मेक्स प्राइमरी टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। इसका मतलब ये क्या काम किया? इसका मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज के लिए? इंक्रीज इन लेंथ। कंट्रीब्यूट किस चीज में? इन इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक नई बात हम लोग जाने, एक्सिलरी बड हम लोग क्या क्या काम देखे इसका, इसके फंक्शन पे आ गए। लोकेशंस तो हम लोग देखे कि लोकेशन इज एपिकल पोर्शन, टिप के पोर्शन पे। किसके टिप के पोर्शन पे? हम लोग क्या कहेंगे? रूट के टिप के पोर्शन पे, या शूट के टिप के पोर्शन पे, और रेडिकल के टिप के पोर्शन पे, या प्लीम्यूल के टिप के पोर्शन पे मिलने वाले इस टिश्यू को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम का नाम दे दिए।
लेकिन अब हम इसका काम देख रहे थे, तो हम लोग क्या बताए काम को कैसे समझेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। मेरिस्टेम शब्द का मतलब ही बता दिए थे, मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब ही होता है डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड करेगा। तो हम लोग क्या बताए थे कि एक लड्डू है जो डिवाइड किया एक घंटे में दो लड्डू में, फिर दूसरे घंटे में चार लड्डू में, फिर तीसरे घंटे में एट लड्डू में, तो द नंबर ऑफ लड्डू इज इंक्रीजिंग। तो इतने सारे लड्डू को रखने के लिए धीरे धीरे करके कंटेनर बड़ा करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहां भी ये सेल डिवाइड कर रहा है, इसीलिए सेल इलोंगेट कर रहा होगा, बाहर का बॉडी इलोंगेट कर रहा होगा उन नए नए सेल को एकोमोडेट करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया, और जब वो बॉडी लंबा हो रहा था तो हम लोग उसी का नाम दिए थे प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या नाम दिए थे इसका हम लोग, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और प्लांट के इस बॉडी को हम लोग कहने लगे प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। तो पहला काम क्या हो गया, ये प्लांट के बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, द फर्स्ट बॉडी ऑफ द प्लांट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड दैट टू मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड एट द एपेक्स ऑफ शूट। जो मेरिस्टेम रूट और शूट के एपेक्स पे है, या जो मेरिस्टेम रेडिकल और प्रिम्यूल के एपेक्स पे है, यही अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इलोंगेशन ऑफ प्लांट को, प्लांट के लंबाई में इंक्रीज करने को। और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज टर्म एज, हम लोग एक नाम दिए उसको प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसका मतलब इसका फंक्शन मालूम हो गया, द फंक्शन इज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सेकेंडली ये कैसे इंक्रीज किया, लंबाई में या गर्थ में, तो हम लोग बोलेंगे इट कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीज इन लेंथ। किन चीजों को बढ़ा रहा था, ये टिश्यू लंबाई को बढ़ा रहा था ना कि डायमीटर को, तो हम लोग बोलेंगे इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीज इन लेंथ। और जब ये पोर्शन ग्रो कर रहा था, इस मेरिस्टेम का कुछ पोर्शन छूट जा रहा था, अब ये ग्रो किया और ये यहां आ गया, लेकिन इसका कुछ पोर्शन यहां पर रह गया, जो पोर्शन रह गया इसको कहने लगे एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम दिया इसको हम लोग, एक्सिलरी बर्ड। एक बर्ड बच गया, ये बर्ड फिर ग्रो करेगा, क्यों, क्योंकि ये मेरिस्टेम का पार्ट था, मेरिस्टेम ही ग्रो करता है, ये मेरिस्टेम का पार्ट था, इसके ग्रोथ के टाइम में ये अपनी जगह पे रह गया था, हम लोग इसको कहने लगे एक्सिलरी बर्ड। तो अब एक टर्म आ गया तुम्हारे लिए नया, एक्सिलरी। ये टर्म का मतलब हम लोग जानने के लिए पहले एक वर्ड लिखते हैं, एक्सिल। व्हाट इज एक्सिल, तो हम लोग एक डायग्राम बनाए, ये प्लांट का स्टेम है और ये लीफ का स्टॉक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसी को कहते हैं एक्सिल। तो द एंगल बिटवीन लीफ एंड दैट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिल, और बिकॉज दिस बर्ड इज प्रेजेंट हियर वी कॉल इट एक्सिलरी बर्ड। हम लोग क्यों उसको एक्सिलरी बर्ड बोले, क्योंकि ये बर्ड कहां पे मिल रहा है, उस एक्सिल के पोजीशन पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या नाम रखे इसका, एक्सिलरी बर्ड। ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, हम लोग पहला डिस्कशन किए एपिकल एट द ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जो पहला मेरिस्टेम था उसका नाम आया एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, पहली बात जाने दे आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रेडिकल एंड प्रिम्यूल। दूसरी बात क्या जाने, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट। तो इसका चार एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया दे आर प्रेजेंट एट द टिप पोर्शन और एपिकल पोर्शन ऑफ रेडिकल, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द एपिकल पोर्शन ऑफ प्रिम्यूल। तो रेडिकल और प्रिम्यूल कहां मिला, रेडिकल और प्रिम्यूल मिल रहा है इन एन एम्ब्रियोनिक स्टेट। ये ग्रो किया और फाइनली प्लांट बना दिया। तो नाउ प्लांट हैज टू पार्ट, एक रूट और दूसरा शूट। रूट के एपेक्स पे भी मिल रहा है और शूट के एपेक्स पे भी मिल रहा है, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे, और कहेंगे रेडिकल के एपेक्स पे और प्लिम्यूल के एपेक्स पे मिलने वाले इस टिश्यू को नाम दे दिए एपिकल मेरिस्टेम। मीनिंग बाय एपिकल और एपेक्स इज ए पोजिशन, मीनिंग बाय कि एपिकल इज ए पोजिशन। तो जो भी टिश्यू एपिकल पोर्शन पे मिलेगा मेरिस्टेमेटिक, उसका नाम क्या रखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। अब हम लोग इसी से डिराइव करते हैं दूसरे एक टिश्यू को जिसका नाम है
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, क्या नाम होगा? इंटर कैलरी। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं जिसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब हम लोग इसको समझते हैं, ये ग्रो करना शुरू किया, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये दिखा रहे हैं हम लोग, फिर एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, ये रूट का पोर्शन बना रहे हैं समझने के लिए, तीसरा फिर एक डायग्राम बना रहे हैं, और इन तीनों डायग्राम में ये रूट का पोर्शन था एक प्लांट का, है ना, ये एक प्लांट है जिसका ये रूट का पोर्शन ग्रो कर रहा था। क्या देखे, पहले वाले रूट में, रूट यहां तक है, इसके एपेक्स पे जो स्पॉट बना रहे हैं ये दिखा रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। अब क्या हुआ, ये मेरिस्टमेटिक सेल डिवाइड करना शुरू किया और धीरे धीरे इलोंगेट कर रहा है। ज्यो ज्यो ये इलोंगेट कर रहा है, अब हम दूसरे डायग्राम में दिखा रहे हैं इसको कलर चेंज करके कि ये थोड़ा और आगे डेवलप कर चुका, और ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू था उसका लोकेशन अब यहां हो गया। मतलब अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द लेंथ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो शिफ्टिंग, मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी शिफ्ट कर रहा है अपनी जो उसकी लंबाई में जो ग्रोथ हो रही है, वो ज्यो ज्यो लंबा हो रहा है वैसे ही उसके एपिकल पोर्शन पे ये चला गया। फिर ये रूट और थोड़ा बड़ा हुआ और अब ये लोकेशन यहां पे दिखा रहे हैं, मतलब एपिकल पोर्शन पे लोकेटेड मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज शिफ्टिंग एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द एपिकल पोर्शन, क्योंकि नाम ही है इसका एपिकल पोर्शन पे एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन जिस समय ये ग्रो कर रहा था एक छोटी सी दुर्घटना इसके साथ घट गई, और वो दुर्घटना क्या थी, इसका कुछ पोर्शन छूट गया। जब ये ग्रो करके यहां पहुंचा तो इसका कुछ पोर्शन क्या हो गया, छूट गया, और ये देखो हम इसको मिटा दिए और थोड़ा सा रहने दिए। फिर जब ये यहां से आगे बढ़ा तो ये भी कुछ पोर्शन इसका भी यहां छूट गया। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू का ये पोर्शन इसी का था और ये पोर्शन भी इसी का था, तो ये दोनों इसके बॉडी का पार्ट था। अल्टीमेटली क्या था, ये दोनों जो लोकेशन दिखा रहे हैं ये क्या है, इसके बॉडी का पार्ट है। तो जैसे तुम लोग पढ़ते हो, तो जब तुम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो याद करो कोई ना कोई दोस्त तुम्हारे साथ था जो क्लास 10th में फेल कर गया, 9th में फेल कर गया, और तुम आगे बढ़ गए और वो वहीं रह गया। तो ऐसे ही छूटे हुए टूटे हुए उस दोस्त को हम लोग नाम देंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या नाम देंगे इसका हम लोग, अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब हम लोग इसको फिर से समझते हैं कि यहां पे दोस्त की क्या बात हो गई। तो ऐसे दोस्त को जो तुम्हारे साथ पढ़ता था, तुम आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया, उसका नाम क्या रखेंगे, इंटर कैलरी फ्रेंड। टूटा हुआ दोस्त, छूटा हुआ दोस्त, यहां भी हम लोग यही काम कर रहे हैं। इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब परमानेंट। तो ये पोर्शन अब हम लोग इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में है, ये पोर्शन में परमानेंट टिश्यूज है, इस पोर्शन में परमानेंट टिश्यूज है, तो परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये अब फंस गया है, और इसी लिए इसका नाम पड़ा इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब परमानेंट। तो इंटर कैलरी वो मेरिस्टेम अब किसके बीच में है, दो दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में लोकेटेड है, हम लोग नाम दे दिए इंटर मतलब इन बिटवीन, कैलरी मतलब परमानेंट। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे, अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, पूरी बात को समझ में आ गई होगी, अब इसको डिफाइन करते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, कैसा पार्ट, आर डिटैच्ड पोर्शन। ये डिटैच्ड हो गया कब, जब ये ग्रो कर रहा था, तो एपिकल पोर्शन का वो पोर्शन जो डिटैच्ड हो गया, छूट गया, उसी छूटे हुए टूटे हुए डिटैच्ड पोर्शन का नाम दे दिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो किसको बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर डिटैच्ड पोर्शन, किसका डिटैच्ड पोर्शन, ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, और कब डिटैच हुआ, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, जब ये ग्रो कर रहा था उसी समय ये इसके बॉडी से क्या हो गया है, डिटैच होके अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रह गया। तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन जान गए, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम,
विच इज डिटैच्ड ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, जब ये ग्रो कर रहा था उसी समय ये इससे डिटैच्ड हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये काम क्या क्या, जरा सा ध्यान से देखो, डायग्राम से क्लियर हो गया, इसका फंक्शन हो गया, इसके ग्रोथ के साथ साथ प्लांट का रूट और स्टेम का लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये ऐड कर रहा है, किस चीज को ऐड कर रहा है, लेंथ को, लेंथ को बढ़ाता जा रहा है। अब हम लोग आते हैं ये कहां कहां मिलता है, और इसके साथ बहुत एक छोटी सी फिर हम लोग मजेदार बात बताएंगे। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाउंड इन ग्रासेस, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली ये कहां मिलता है, फाउंड इन ग्रासेस। और एक इंटरेस्टिंग कहानी दिखा रहे हैं हम लोग, ये दिखा रहे हैं घास कुछ बना दिए, और यहाँ पे एक हम लोग दिखा दिए कोई भी कैटल, ये उसकी पूंछ है ना, ये इसका मुंह है। अभी समझना है कि कोई ना कोई कैटल्स है, और कैटल में इसको हम लोग मान लेते हैं ये गाय है। बहुत मजेदार, देखो तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब ये गाय क्या कर रही है, घास खा रही है, और हम लोग क्या देखते हैं, गाय घास खाने के बाद कब तक खाती रहती है, जब तक कि उसके होठों का पोर्शन मिट्टी में टच ना करे तब तक वो पूरी तरह से ग्रास खाती रहती है, और जब उसके होठों का टच मिट्टी से होना लगता है उस समय ये उस ग्रास को छोड़ देती है। अब ये देखो छोटा हो गया ग्रास का पोर्शन, मतलब ऊपर का ये सारा पोर्शन वो खा चुकी है। ऐसे जो ग्रास ग्रेजिंग करने के बाद ग्रास का पोर्शन बचा हुआ था, उस ग्रास को 10-15 दिन लोकेट कर लो, और 10-15 दिनों के बाद जाके देखो क्या देखते हैं, वापस ये टूटा हुआ कटा हुआ ग्रास का पोर्शन फिर से ग्रो कर गया, और फिर जितना लंबा था फिर उतना ही लंबा हो गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो पोर्शन बचा हुआ था ग्रास का उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू था, और वही मेरिस्टमेटिक टिश्यू था जो ग्रोथ के समय छूट गया था, जब ये ग्रो कर रहा था यहां पे बचा हुआ था, यहां पे बचा हुआ था, यहां पे बचा हुआ था, तो गाय तो यहां तक पका पोर्शन खाई, लेकिन नीचे का जो पोर्शन था वहां पे बचा हुआ जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम था वही इसको फिर से रीजेनरेट करने में हेल्प करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ग्रासेस, ग्रासेस के पत्तों के बेस पे मिल रहा था, विच हेल्प इन रीजेनरेशन, ये क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, विच हेल्प इन रीजेनरेशन, ये प्लांट के रीजनरेशन में क्या करता है, फिर से हेल्प करता है। आफ्टर द ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल, जब गाय घास खा लेती है, ग्रेजिंग कर लेती है, फिर से हम देखते हैं विद इन 10 or 15 डेज इट वंस अगेन रीजनरेट, मीनिंग बाय द ग्रासेस हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, चूंकि उसमें इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है इसीलिए इस बात को फिर से रीजनरेट कर लेती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी देखते हो कि सीरियल्स में राइस वीट मेज है ना, ये जो पोर्शन देखते होंगे इनको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं। सीरियल्स में राइस वीट मेज में जो गिरा हुआ स्टेम है ना वो भी धीरे धीरे इरेक्ट हो जाता है, जो गिरा हुआ स्टेम होता है, जो वीक स्टेम होता है, तो हम लोग कहेंगे फॉलन स्टेम, जो गिरा हुआ स्टेम है, फॉलन स्टेम किसका, ऑफ सीरियल्स है ना, सीरियल्स का ये टू बिकम इरेक्ट, ये भी इसी के प्रेजेंस के चलते क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किए, किसके बारे में, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के प्रेजेंस के चलते क्या क्या हुआ। इंटर कैलरी मेरिस्टेम के प्रेजेंस के चलते इवन आफ्टर द ग्रेजिंग ऑफ द ग्रासेस बाय द कैटल्स द रेस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रास वंस अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल ग्रोथ, जो बचा हुआ पोर्शन था ग्रास का वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। और दूसरा क्या बताए, जो कहीं भी हम लोग देखते हैं सीरियल्स में चावल या धान जिसको हम लोग कहते हैं, गेहूं जिसको कहते हैं, इसका बॉडी का स्टेम गिरा हुआ था तो धीरे धीरे फिर ये इरेक्ट हो जाता है, क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू से मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी के चलते जो एक्टिविटी होती है, जो नए सेल्स बनते हैं उसको एकोमोडेट करने के लिए जो इलोंगेशन होता है वो उसके हेल्पिंग में हेल्प करता है। तो हम लोग कहते हैं फॉलन स्टेम ऑफ सीरियल टू बिकम इरेक्ट, ये इसका दूसरा फंक्शन था। अब हम लोग ये देखते हैं, तो हम लोग अब इसको फाइनली ये कह सकते हैं कि एट द बेस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये जो ग्रासेस के केस में देख रहे थे, तो कहां पे मिला ये मिलना शुरू हो गया बेस ऑफ मोनोकॉट स्टेम,
और मोनोकॉट स्टेम का हम लोग एग्जाम्पल बताना शुरू करते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? पहला हो जाएगा ग्रासेस, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर देंगे, कह देंगे मेज, है ना, और तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर देंगे बैम्बू। तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि ये स्टेम के बेस पे मिल रहा था। लेकिन एक प्लांट अभी और डिस्कस करते हैं जिसके पत्ते के बेस पे भी ये मिल रहा है। तो ये थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कहां मिल रहा है, एट द बेस ऑफ लीफ। इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है पाइनस के केस में, एट द बेस ऑफ, है ना, पाइनस के केस में लीफ के बेस पे मिल रहा था। तो ये लीफ है, इसके बेस पे मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे एट द बेस ऑफ लीफ। एट द बेस ऑफ लीफ कौन मिल रहा है और कहां पे मिल रहा है? तो इन केस ऑफ पाइनस। और फिर और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एट द बेस ऑफ नोड, एट द बेस ऑफ नोड। और ये कहां मिला? तो इसका एक एग्जांपल है मिंट, पुदीना हम लोग कहते हैं, है ना, इसको कॉमनली हम लोग मिंट को दो तरह से जानते हैं। एक हम लोग टर्म यूज करते हैं पुदीना, और दूसरा हम लोग पेपरमिंट भी कहते हैं, जो हम लोग एक खाते हैं पेपरमिंट, जो खाने के बाद गले में ठंडक लगती है उसको हम लोग पेपरमिंट कहते हैं। ये दोनों ही का जेनस एक है और उसका नाम है मेंथा, द जेनस इज कॉल्ड एज मेंथा। तो मिंट, तो एक चीज तुमको ध्यान में रखना है, जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं ना, उनमें से 2013 में एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल का नाम दे दिया था और उसका बॉटनिकल नेम पूछा था। तो ये लिमिटेशन ऑफ द एनसीईआरटीज है, मतलब एनसीईआरटी में वो ग्रामिनी फैमिली में एग्जाम्पल दिया हुआ था, 2013 का क्वेश्चन बता रहे हैं बैलाडोना, और उसका बॉटनिकल नेम पूछ दिया था, और बॉटनिकल नेम है, चूंकि बॉटनिकल नेम एनसीईआरटी के बुक्स में है नहीं, मतलब क्या है कि जो एनसीईआरटी के बुक्स में है इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत रेंज जानना है, जो टर्म वहां दिया हुआ उसको हमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, उससे कोरिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहां पे फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देखे एग्जाम्पल के रूप में मिंट, मिंट हम लोग कहते हैं मेंथा अरवेंसिस, ये हो गया पेपर मिंट, और दूसरा होता है पुदीना जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये इसके बेस ऑफ नोड पे, है ना, पत्ते के जो नोड था, स्टेम का जो नोड था, नोड के बेस में मिल रहा था, और पाइनस में तो ये लीफ के बेस में मिल रहा था। पाइनस में कहां मिल रहा था? तो ये रिकॉल करो, हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल डिस्कस किए, इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में कहां पे मिल रहा था? तो कहेंगे मोनोकॉट के स्टेम के बेस पे मिल रहा था, है ना। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मोनोकॉट के स्टेम के बेस का एग्जाम्पल क्या क्या बताए, एक बताए ग्रासेस, दूसरा बोल रहे हैं बैम्बूज, तीसरा बोल रहे हैं सुगर केन। तो अभी एनाटॉमी में हम लोग याद करवाएंगे कॉमन मोनोकॉट्स कौन कौन सा होता है, इसको एक टेक्निक से याद कराएंगे, क्योंकि डायकॉट बहुत ज्यादा मिलता है, मोनोकॉट की संख्या कम होती है। तो हम लोग कैसे एक क्या करेंगे कि मोनोकॉट के तरीकों को याद कर लेंगे, कॉमन मोनोकॉट कौन कौन सा प्लांट होता है ये हम लोग याद कर लेंगे। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया दूसरा। अब तक हम लोग दो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन दो हम लोग मेरिस्टेम देखे, पहले का नाम था एपिकल मेरिस्टेम और दूसरे का नाम था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में क्या बताया, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, एट द एपेक्स ऑफ शूट। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग रेडिकल और प्लिम्यूल की बात करें तो बोलेंगे एट द एपेक्स ऑफ रेडिकल एंड एट द एपेक्स ऑफ प्लिम्यूल। फिर क्या बताएंगे, तीसरी बात, ये किस काम में हेल्प कर रहा था, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ द प्लांट और इट फॉर्म्स प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। ये दो काम कर रहा था, या तो इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है, और हम लोग कह सकते हैं जो बॉडी प्लांट का बन रहा है उसको हम लोग कह दिए प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट। तो ये प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट बना रहा था। फिर हम लोग आ गए इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, और क्या बोले, एपिकल मेरिस्टेम के छूटे हुए टूटे हुए दोस्त का नाम क्या रखे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मीनिंग बाय द डिटैच्ड पोर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज डिटैच्ड ड्यूरिंग इज ग्रोथ। जब ये ग्रो कर रहा था, जो पोर्शन डिटैच्ड हो गया उसी का नाम था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या बताया, ग्रासेस में जो ग्रास ग्रेजिंग एनिमल जब घास खा लेती है गाय, तो उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था, वंस अगेन इट रिगेन इट्स ग्रोथ, और वो था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम
में टूटे हुए जो पोर्शन था उसका, छूटा हुआ जो पोर्शन था जिसका नाम इंटर कैलरी रखे थे, उसी के रहने से ऐसा हुआ। उसके अलावा हम लोग क्या बताया, ये पाइनस के लीफ के बेस पे भी मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और एट द बेस ऑफ नोड भी मिलेगा मिंट में। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है पहले मेडिकल में कभी ना कभी, अगर हम लोग मेडिकल का इतिहास देखें तो 2007 के बाद क्वेश्चन में ट्रेंड चेंज हुआ है, और वो 2007 के बाद ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था या आ रहा है अब तक। अभी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो एनसीईआरटी बेस्ड में हम लोगों को पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन रेंज कम नहीं है। रेंज हमारे पास है एनसीईआरटी में, जितनी बातें हैं उनमें उनके जो एनसीईआरटी में टच भी कर दिया गया उन सभी चीजों को हमको जानना है। अब हम लोग आते हैं तीसरे मेरिस्टेम में ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। तीसरे का नाम दिए हम लोग लैटरल मेरिस्टेम। अब हम लोग अगर ये कहें कि लैटरल मेरिस्टेम हम लोग बहुत हद तक पढ़ा चुके, कैसे पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में उस मेरिस्टेम की चर्चा करेंगे जिसका पोजीशन लैटरल है। लैटरल पोजीशन और एपिकल पोर्शन को समझने के लिए ये समझो ये एक प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग नीचे की तरफ यहां पे खड़ा करते हैं, एक प्लांट है बड़ा सा। अब तुमको लैटरल पोर्शन समझना है और एपिकल पोर्शन समझना है। इस प्लांट में जो बॉडी में साइड से लगा हुआ होगा, सरकमफेरेंस से लगा हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, इसको कहेंगे लैटरल मेरिस्टेम, और जो ऊपर और नीचे होगा इसका नाम रखेंगे एपिकल मेरिस्टेम। फिर से समझो, लैटरल क्या हो गया, एक प्लांट के बारे में कल्पना करो, ये प्लांट है और उसमें जो लैटरली पेरिफेरल पोर्शन से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर्कमफेरेंस में लगा हुआ दिखाई देगा उसी का नाम होगा लैटरल मेरिस्टेम। इसको फिर हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके समझाते हैं लैटरल पोजीशन क्या होगा और लैटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या होगा। तो एक दूसरा डायग्राम बना के फिर हम लोग इसको समझा रहे हैं।